नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक नए वीडियो से स्वागत है। दोस्तों, दूध में बस ये दो तीन चीज़ें मिला लें, चेहरा इतना गोरा और बेदाग दिखने लगेगा कि लोग देख के चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके चेहरे को काफ़ी गोरा और बेदाग बनाएगा। बस इसमें आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जो आपके घर में ही आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या ये उपाय। इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले खाली कटोरी चाहिए और इस खाली कटोरी में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच दूध। इस तरीके से दोस्तों 2 बड़े चम्मच दूध ले लेने हैं। फिर इसके बाद में हमें लेना कोलगेट पेस्ट, जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो हम यहाँ पर इतनी सी मात्रा में कोलगेट का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अब तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है दोस्तों यहाँ पर टमाटर का रस, जो कि मैंने यहाँ पर टमाटर का रस पहले से निकाल के रेडी रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर टमाटर का रस इसमें ऐड कर दूँगा। टमाटर का रस हमारे स्किन को गोरा और बेदाग बनाने के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, तीनों चीज़ें लेने के बाद में अब हमें इसमें लेनी है हल्दी, जो कि दोस्तों हमें हल्दी पाउडर चाहिए और हमें इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर हमारे चेहरे को काफ़ी गोरा और बेदाग बनाती है। तो हमने यहाँ पर हल्दी को इसमें ले कर अच्छे से मिक्स कर दिया। अब दोस्तों, इसे लगाने का तरीका है वो ये है कि आप अपने चेहरे को सबसे पहले किसी अच्छे फेस वॉश से धोकर साफ कर लें। फिर उसके बाद में एक कॉटन लें और इस कॉटन को इसके अंदर इस तरीके से डिप करें और इसे अपने चेहरे पर इस तरीके से अप्लाई करें। इस तरीके से दोस्तों इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करके 15 मिनट के लिए ऐसे सूखने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट बाद आप इसे उंगलियों से रफ करते हुए इस तरीके से छुड़ा दें और सादा ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। इस उपाय को करने से आप देखोगे आपका चेहरा काफ़ी गोरा बेदाग दिखने लगेगा, साथ ही साथ इससे आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं वो रिमूव होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा जैसा वीडियो, तब तक बाय बाय।